भाई हम तो सुबह 5 बजे भी उठे हुए हैं और ये देखो अभी तक सो रहे हैं। पता है ना जो त्योहार है कितना काम होता है। हाँ बहन देख रही है कैसे हाथों में हाथ डाल के सो रहे हैं, इनको जगाना पड़ेगा नहीं तो भाभी सारा काम हमारे ऊपर डाल देगी। ये तो है, आज से इनको मजे से खाना पड़ेगा। जल्दी कुछ खा। भाभी आप रोज लेट उठती हो, आज तो जल्दी उठ जाओ, आज दिवाली है ना, और देखो हम भी तो जल्दी उठ गए। रहने दे, आंखों में भीड़ लग रही है, जाके पहले उसे साफ कर। भाभी पता है ना आज काम कितना है और बड़े भाई साहब भी आने वाले हैं। सुनो उठ जाओ ना, आज बहुत काम है। भाभी डर गई क्या? राजू तुम ना एक दिन जरूर पिटोगे। है और कुछ? हाँ, और जिस दिन पिटोगे ना उस दिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। उस दिन मेरा बदला पूरा हो जाएगा। भाभी ये दिन ना कभी नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा। वो कहावत सुनी है ना, एक दिन गधे का भी आता है। इसका मतलब भाभी आप गधी हुई ना? नीतू जरा वहां से प्याज देना। क्या भाभी आपने मेरे हाथ तोड़ने हैं क्या? अरे तुम्हारे हाथ तो इतने प्यारे हैं कि ये काम करने के लिए थोड़ी ना बने हैं, ये तो सजाने के लिए बने हैं। ये लो भाभी। आज मैं ना भाई साहब के लिए प्याज के पकोड़े बना रही हूँ, तुम्हें खाने हैं? पकोड़े? हाँ, वो भी प्याज के। आज तो मजा ही आ जाएगा। मजा चाहिए ना तो आके साथ में काम करवाओ। क्या भाभी ठीक है। ये लो यहां से छीलो इसको। मैम ये देखो अच्छी चप्पल है और इसी में ही दूसरे कलर में चप्पल, अच्छी चलने वाली चप्पल है, बढ़िया चलेगी। कितने की है? मैम ये 200 रुपए की। सही से लगाओ। मैम ठीक ही तो 200 रुपए में आज चलाते ही क्या, बढ़िया चप्पल है चलने वाली। अब मेरे पास में 100 रुपए वाली चप्पल है तो 2 दिन नहीं चलेंगी। मैम इतने में तो होगा नहीं। देखो क्या यार दीदी कितना मोल भाव करती हो, तुमसे तो कोई सब्जी वाला भी नहीं जीत पाएगा। तुम लोगों को क्या पता और तुम कितने स्मार्ट काम वगैरह होते हैं। भाई समझाओ ना इनको, 100 रुपए में आजकल कुछ आता भी है। मैं इतने ही दूंगी, देनी है तो दो नहीं रहने दो। बहन जी 190 लास्ट लो, डाल देता हूँ पन्नी में। नहीं नहीं चलो दीदी आप चलो चलो। बहन जी 180 दे दियो, ले तो जाओ 180 दे दियो। बहन जी 180 दे दियो भाई साहब, 180 दे दियो। आज क्या भाई आपने मुझे पूरा सामान भी नहीं रहने दिया। क्या यार दीदी 3-4 बैग भर के तो ले आई, अब क्या रह गया।
मैंने जलाए थे दो, ये कैसे बुझ गए? हवा से बुझ गया होगा भाभी। हाँ मैं जलाता है ये लो। भाभी अब दिया कैसे बुझ गया? अभी तो हवा भी चल रही। ये देखो इस हवाबाज को, नीचे बैठे बैठे हवा कर रहा था। भाभी आज इसको सजा मिलनी चाहिए, शुभ कामों में भी बाधा डाल रहा है। चुपचाप से ये सारे दिए उठा जला के और ऊपर छत पे रख के आ चल। भाभी जी ओ, सीट पे सोने वाले भाभी जी, लुंगी राम का घर मालूम क्या? अरे तू, मुझे तो बस क्रिकेट देखना है भाई। क्रिकेट क्यों देखना है तुझे? अगर ये देखना है ना तो अपने फोन में देखो। और नहीं तो क्या, कम से कम आप सभी को टीवी के बहाने एक जगह बैठने का मौका तो मिला है। वो तो भाभी जी, दीदी वो तो बड़े भाई जी को क्रिकेट देखना पसंद है ना, इसलिए मैंने क्रिकेट लगाया था। वो तो अपना काम कर रहे हैं, तुझे बड़ी बड़ी क्रिकेट देखने की? और ले ले बेटा इन औरतों से पंगा। हाँ सच्ची में बहुत ज्यादा अच्छा लगता, और एक अपना प्यारा सा बेबी होता है। ये सब सोच के ना मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ज्यादा वो आपको कुछ बार बुला रहा है? अच्छा मैं भी आऊँ क्या? रुको अभी आता हूँ। सही बोल रही हो तुम। भाभी भाभी कुछ खाने को दे दो ना, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भैया अगर चूहे दौड़ रहे हैं तो उनको ही खा लो। ठीक है अभी लाती हूँ, नमकीन चलेगी? हाँ हाँ कुछ भी ला दो। सादा मजा खराब कर दिया। छोड़ो ये लो। मेरा ना पूरा बदन दर्द कर रहा है। इतना ज्यादा है ना, काम भी नहीं था। प्लीज थोड़ी मालिश कर दो ना मेरी। भाभी ये नमकीन है क्या? क्यों देवर जी, मिर्च कम लगी क्या? और डाल के लाऊं? भाभी इस नालायक को बख्श दो, आपसे मजाक करके महंगा पड़ गया। पानी पानी ला देना बहन, क्यों इतना आलस पा रही है? यार बहन तुम हर काम में इतना आलस क्यों खाती हो? कोई जरूरत नहीं है भाई, आलस नहीं है ये मेरा स्टाइल है। तो मेरी बहन मेरी माँ इसी स्टाइल में पानी ला दे। क्या बात है, आज तो नीतू भाई ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। देवर जी जब आपकी शादी हो जाएगी ना तो आपकी पत्नी भी आपके साथ ऐसे ही शरारत किया करेगी। वो तो करे या ना करे पर आप तो उसको पक्का सिखाई दोगी। भाभी सिखाने की क्या जरूरत है, आजकल के लड़के तो वैसे भी एक्सपर्ट हैं। Thank you.
तुम दोनों बेशक कितनी भी शरारत कर लो, लेकिन तुम लोगों के बिना ये घर अधूरा है। भाभी एक बात बताऊं, आपके बिना भी हमारा मजाक अधूरा अधूरा है। तो दोस्तों, परिवार में कोई कितना भी शरारती क्यों ना हो, वो अपने तरीके से एक परिवार को पूरा करते हैं। इन्हीं छोटी छोटी शरारतों से ही परिवार की खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है। जो छोटे परिवार होते हैं वो डिप्रेस्ड महसूस करते हैं और उनको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं होता है, और जो बड़े परिवार होते हैं उनमें उनको सपोर्ट मिल जाता है, इसलिए वो दुखी भी ना होते हैं। तो हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि आप सभी अपनी फैमिली में मिलजुल कर रहे, एक दूसरे का सहयोग करते रहे, उनको सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।